रेडियो चंद प्रदेश सीधे देश दुनिया दी खबरें लेके गगनदीप एक बार फिर तो हाजिर है। सब तो पहला नजर मारते हैं आज दिया मुख्य खबरां ते। ब्रिटेन ने कोविड-19 दे टीकियां दिया 9 करोड़ खुराकां खरीदने दे लई कीता समझौता। अध्ययन च दावा बहुमंजिला इमारत दे विच रहण वालियां नूं कोरोना इनफेक्शन दा ज्यादा खतरा। हिमाचल बस किरायां दे विच वाधा, संसद मैंबर विधायक नहीं कर सकणगे मुफ्त यात्रा। केरल दे विच एक दिन दे विच कोरोना दे 798 नवे मामले हुए दर्ज। पंजाब दे विच कोरोना दा वड्डा धमाका, 411 मरीज आए सामने ते 8 लोगों की हुई मौत। यूथ अकाली दल वालों सामाजिक दूरी के नियमों की उलंघना करने बारे कांग्रेस करेगी शिकायत। हुण खबरां विस्थार नाल। लंदन तो आई खबर के अनुसार ब्रिटेन ने कहा है कि फाइजर ते होर दवाई कंपनियां वालों कोरोना वायरस के इलाज के लिए परीक्षण के दौर तो लंघ रहे टीकों दियां 9 करोड़ खुराकां खरीदने के संबंध में उसने एक समझौते से दस्तखत किए ने। ब्रिटेन सरकार ने अपने एक बयान दे विच सोमवार को कहा है कि वलनेवा तो इलावा फाइजर और बायोएनटेक वालों विकसित किए जा रहे टीकों तक पहुँच हासिल करने के लिए उसने करार किया है। इन टीकों को लेकर फिलहाल परीक्षण चल रहे हैं। ब्रिटेन ने पहला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों परीक्षण किए जा रहे टीकों दी 10 करोड़ खुराक हासिल करने के लिए ऑस्ट्राजेनेका नाल समझौता किया है। इस परीक्षण के नतीजे जल्द ही ऐलान किए जाएंगे। सरकार ने 3 वख-वख टीकों के विच निवेश किए जाने का हवाला देते हुए कहा है कि इस नाल लखां लोगों को टीके की सुविधा मिल सकेगी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वायरस के इलाज के विच यह टीके कारगर हैं या नहीं। ब्रिटेन के कई अमीर देश टीका बनने की हालत के विच इस नूं हासिल करने के लिए पहलों तो ही निवेश कर रहे हैं। आम करके टीका विकसित करने दे विच सालां लग जांदे ने ते फिलहाल दुनिया भर दे विच 1 दर्जन तो वधेरे टीकियां ते परीक्षण शुरुआती पड़ाव दे विच ने। ईडनबर्ग नाल संबंधित आई खबर के अनुसार ग्लोबल पद्धर ते फैली कोरोना वायरस महामारी तो बचाव दे लई सारे उपाय दस्से गए ने। हुण इक अध्ययन दे विच पता चलिया है कि उच्चियां इमारतां दे विच रहण वालियां दा कोरोना वायरस नाल पीड़ित होण दा ज्यादा खदशा है, क्योंकि उन्हां नूं एक जगह तो पानी की सप्लाई हुंदी है। इमारत दे पानी अते सीवरेज सप्लाई सिस्टम दे नाल कोरोना फैलन का खतरा ज्यादा है। इस संबंधी खुलासा स्कॉटलैंड के हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों ने किया है। हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी के वाटर अकैडमी के डायरैक्टर माइकल गॉर्मले ने कहा है कि वड्डियां ते उच्चियां इमारतों के रहने वालों के लिए कोरोना वायरस नाल पीड़ित होने का ज्यादा खतरा है, क्योंकि उत्थे पानी की सप्लाई एको जगह तो होंगी है। यही खतरा हस्पतालों के भर्ती लोगों के लिए भी है। नवीं एक खबर के मुताबिक इंसानों तो इंसानों के विच इनफेक्शन फैलना साधारण गल है, पर पानी सप्लाई के जरिए कोरोना वायरस का इनफेक्शन फैलना एक असाधारण पर संभव हो सकने वाली गल है। भारत नाल संबंधित शिमला तो आई खबर के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक तंगी चल रही हिमाचल प्रदेश की जनता से सूबा सरकार ने बसों के किराए के 25% वाधा करके एक होर वड्डा बोझ पा दिता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रधानगी दे विच हुई सोमवार को कैबिनेट की बैठक दे विच बसां दे किराए दे विच 25% वाधा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिती गई है। बैठक दे विच संसद मैंबरां ते विधायकां नूं हिमाचल प्रदेश पथ ट्रांसपोर्ट निगम दीआं बसां दे विच प्रदेश दे अंदर ते प्रदेश दे बाहर मिल रही मुफ्त सेवा सहूलत नूं वापस लैण ते भी सहमति बनी है, पर साबका संसद मैंबरां ते विधायकां दे लई इह सहूलत जारी रहेगी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय एंबूलेंस सेवा 108 के तहत 38 एंबूलेंसा बदलने की मंजूरी प्रदान की है, जो हुण पुरानियां हो चुकिया ने। यह फैसला प्रदेश दे विच सेहत प्रणाली दे विच 108 एंबूलेंस की महत्वपूर्ण भूमिका नूं ध्यान दे विच रख के लिया गया है। भारत नाल संबंधित तिरुवनंतपुरम दवाई खबर के अनुसार सोमवार को केरल दे विच पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना वायरस के 798 नवे मामले सामने आने तों बाद संक्रमित व्यक्तियों की गिनती 13,279 हो गई है। अधिकारित सूत्रों ने दस्सिया कि एतवार को कोरोना वायरस के संक्रमित 245 मरीज होर सेहतयाब हो गए हैं। बीमारी को मात दे के ठीक हुए लोगों की गिनती बढ़ गई है, यह गिनती बढ़ के 5,615 हो गई है। नाल ही उन्होंने भी दस्सिया कि एक होर व्यक्ति की मौत होने के कारण मृतकों की गिनती दे विच वाधा हो के 44 हो गई है। सूबे दे विच इस समय 7,616 लोगों का वख-वख हस्पतालों दे विच इलाज चल रहा है। पंजाब नाल संबंधित लुधियाना तो आई खबर के अनुसार कोरोना वायरस महामारी आए दिन अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। लुधियाना विच कोरोना वायरस के 411 रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। इस तो इलावा 8 मरीजों की मौत हो गई है। पंजाब के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजेश भास्कर ने इसकी पुष्टि करते हुए दस्सिया कि 411 मरीजों के विच सब तो ज़्यादा पटियाला जिले के 94 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरा स्थान लुधियाना का है, जिथे 83 मरीज कोरोना वायरस नाल पीड़ित पाए गए हैं।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਆਈਪੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ।